हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये है यूपी स्कॉलरशिप से। आप सब जानते हो कि यूपी स्कॉलरशिप में डेट आगे बढ़ाया गया था एससी एसटी के स्टूडेंट्स के लिए, तो उससे रिलेटेड आप लोग हमसे जो है मैसेज कर रहे हो कि अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि डेट जो है आगे बढ़ चुका है, तो हमारा फीस आएगा या नहीं, स्कॉलरशिप आएगी या नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। चलिए, जो भी कंफ्यूजन फैला हुआ है उस सभी को जो है हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं कि स्कॉलरशिप जो है कब तक आप लोगों को मिल सकता है, डेट जो है कैसे एक्सटेंड हो गया है, क्या हुआ है, कब तक का डेट था, ये सभी चीजें जो है हम जानेंगे इस वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस क्लास में इस चैनल पर दिए जाते हैं। आप लोग जो है आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का एमसीक्यू क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे एमसीक्यू प्रिपरेशन करवाया जाता है। चलिए, आप लोग को यूपी स्कॉलरशिप में फिर से कंफ्यूजन स्टार्ट हो चुका है, और क्योंकि डेट जो है एक्सटेंड हो रहा है। जो डेट दिया गया था 12 जून दिया गया था कि पैसा वापस आएगा, लेकिन अब भी 12 जून निकल चुका है, पैसा नहीं आया है। इसी से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन है। कुछ जगहों पे आपको ये बताया जा रहा है कि 15 जून को दिया गया था डेट, नहीं, डेट एग्जैक्टली 12 जून का ही था कि 12 जून को जो है आपका पैसा मिलेगा। और ये जो पोर्टल फिर से ओपन हुआ था, ये हमने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी स्टूडेंट के लिए ओपन किया गया था। मांग हुई थी सभी स्टूडेंट के लिए, लेकिन सिर्फ एससी एसटी स्टूडेंट के लिए ओपन हुआ है। तो एससी एसटी स्टूडेंट का जो है पैसा आना था 12 जून, डेट दिया गया था। आइए मैं पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा दूं जिससे कि क्लियर हो जाए, बाकी जो कंफ्यूजन है आपको ना रहे। क्योंकि देखो, आप किसी के बात कहने पे जाओ, इससे बेटर है कि आप ऑफिशियल जो भी नोटिस आया हुआ है उसे देखिए। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि दिया गया था आप लोगों को 10 अप्रैल को। ये कब दिया गया था? 10 अप्रैल को ये नोटिस जो है आप लोगों को मिला था, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग इनको फॉलो करना था, ऐसा नहीं कि कुछ ये चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 10 अप्रैल 2023 को ये नोटिस दिया गया था। अब चलिए, इसी में जो है पूरा इनका कार्य योजना लिखा हुआ था कि ये कैसे सारा काम करेंगे, कैसे जो है 17 अप्रैल को आप लोगों का सत्यापित होगा, ये सभी चीजें जो थी। अब इसी में जो है नीचे आप लोगों का ये लाइन दिया गया है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पे देखो, बोला गया था कि जनपद, थोड़ा हिंदी है मे बी इसलिए आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर पीएसएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीरियल एवं एनपीसीआई से मैप बैंक खातों में धनराशि अंतरित किए जाना। यानी कि आपका पैसा आने का जो डेट है वो 12 जून है, जो कि अब निकल चुका, और स्टूडेंट को, बच्चों को पैसा नहीं मिला है, यही क्वेश्चन है। और ये जो 15 जून वाला जो कंफ्यूजन हो रहा है, भारत सरकार को 60% केंद्रांश की धनराशि भुगतान हेतु डाटा शेयर करना, ये जो 15 जून वाला दिया गया है, जो पैसा मिलता है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों जो है अपना पार्टिसिपेट करके देती है। तो सेंट्रल जो देती है 60% देती है और स्टेट जो है 40% देती है। तो आपका यूपी राज्य सरकार जो है आपको 40% आपका पैसा आना था 12 जून को, और ये लोग जो है पूरा डेटा अपना करके भेजेंगे 15 जून को, किसको? केंद्र को, ताकि वो लोग भी पैसा दे, इसलिए जो है ये बात हुई है, ठीक है। तो डाटा शेयर करना, डाटा शेयर किया जाएगा केंद्र के साथ 15 जून तक, ये डेट था। तो 15 जून को पैसा आने वाला बात नहीं है, पैसा आने वाला बात आपका 12 जून का है। अब बात आती है कि पैसा क्यों नहीं आया है। तो देखो, अभी तक जैसे पिछला भी जो डेट दिया गया था, जो टाइम दिया गया था, क्या उस टाइम के अनुसार काम हो रहा था? नहीं ना, डिले तो हो ही रहा था, तो उसी तरह से ये काम में भी डिले हुआ है। 12 जून को डेट दिया गया था, 12 जून को नहीं आया है, तो आपको इसी जून के मंथ में जो है पैसा देखने को मिलेगा। अब कहां पे जो है लेट हुआ है ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि इनके अनुसार 12 जून का था पैसा पेमेंट का, नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं डिले हुआ है, कहीं ना कहीं लेट हो रहा है, लेकिन पैसा तो आएगा। अब ये सोच रहे हो कि पैसा नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैसा तो आप लोगों को फॉर्म फिलअप ये सभी चीजें करवाई गई हैं तो दिया जाएगा। मे बी 20 जून को दे दिया जाए, 22 जून को दिया जाए, या फिर जून के लास्ट में दिया जाए। जहां तक उम्मीद बताई जा रही है 20 जून तक आप लोगों का पैसा आ सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये बस सुना गया है कि 20 जून तक आ सकता है, क्योंकि लेट हुआ है 2-3 जगहों पर, जिसकी वजह से ये 12 जून ना होकर के 20 जून हो सकता है, बट ये कंफर्म नहीं है। तो पैसा लेकिन आपको मिलेगा, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, पैसा बिल्कुल आएगा। आपसे ये सारा जो फॉर्मेलिटी करवाया गया है इसके बाद आपको पैसा दिया जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए, हाइपर मत होइए,
जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, फिर से आपको मौका मिला था, आपको पैसा मिलेगा। थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेट हो रहा है। रीजन तो एग्जैक्टली इसका किसी को भी नहीं पता है कि क्यों जो है डिले हो रहा है, लेकिन डिले हुआ है, लेट हुआ है। और 15 जून वाला बात बिल्कुल गलत है। 15 जून को पैसा आने वाला, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। 15 जून को लिखा हुआ कि केंद्र के साथ जो है शेयर किया जाएगा। अभी आपको राज्य के साथ पैसा मिलेगा, राज्य सरकार आपको पैसा देगी, फिर आपको केंद्र सरकार की तरफ से पैसा आएगा। सेंट्रल की तरफ से 60% पैसा आता है, तो दोनों जगहों से अभी आपको पैसा आना है। बस वेट कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होता है या कोई क्वेरी है तो बिल्कुल आप बेझिझक हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर आपके पास है, या फिर आप इस वीडियो में कॉमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर जिनका जिनका पैसा आ गया है वो भी हमें कॉमेंट करके जरूर बताए, ताकि जो दूसरे बच्चे पैनिक हो रहे हैं कि उनका पैसा नहीं आ रहा, उनको राहत मिले कि हाँ पैसा आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।